नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सरकारी विद्यालय में अनुपात के अनुसार शिक्षकों के नहीं रहने से बच्चों की पढ़ाई हो रही बाधित। विद्यालय में पढ़ाई नहीं होने के कारण अधिकांश बच्चे नहीं आते विद्यालय। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। गुमला जिला सिसई प्रखंड कुदरा पंचायत अंतर्गत राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय जैरा में 6 शिक्षकों के भरोसे चलता है 1 से 10 तक की कक्षाएं। प्रधानाध्यापक तनवीर आलम ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय कक्षा 1 से 10 तक संचालित है, जिसमें पढ़ने के लिए कुल 252 बच्चे आते हैं। विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक तनवीर आलम, सरकारी शिक्षक शंभू कुमार भगत, डेविड किंडो, अंकुर कुमार यादव, शिक्षिका निरुपमा रानी मेंच, पारा शिक्षिका सुखमणि कश्यप की देखरेख में कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। साथ ही बताते चलें कि विद्यालय के टूटे हुए छत और पक्का का बिना मरम्मति किए बाहरी दीवारों के ऊपर रंग रोगन किया गया है। विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था है, परंतु कंप्यूटर शिक्षक नहीं रहने के कारण कंप्यूटर बंद पड़ा रहता है। कक्षा 8 के कमरा का पक्का और दीवार टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी लिखित जानकारी प्रधानाध्यापक के द्वारा कई बार बीईओ को देने के पश्चात भी अब तक कोई पहल नहीं की गई है। प्रधानाध्यापक तनवीर आलम ने स्पष्ट कहा कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों का सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता है और ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में कठिनाई हो रही है। विद्यालय में क्लास KG से लेकर 10 तक संचालित है और शिक्षक की अभाव है। ये खुद समझ सकते हैं कि जब हमारे यहाँ हाई स्कूल चल रहा है तो हाई स्कूल के शिक्षक होना चाहिए। हम लोगों ने विभाग से कई एक बार इसके बारे में लिखित तौर पर और अर्ली भी इसके बारे में दिए जानकारी, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी शिक्षक, किसी तरह का शिक्षक हमारे यहाँ नहीं दिया गया। हमारा जो मकसद है टीचिंग, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें, तो उसके प्रति हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। हमारा ये सबसे बड़ा हमारा क्योंकि है, क्योंकि हाई स्कूल हमारा चल रहा है यहाँ पर। जो पहले से हमारा जो बिल्डिंग था 10 रूम है, जिसमें 3 रूम ऐसे हमारे इंगेज हो गया, एक कंप्यूटर है, एक स्मार्ट क्लास का है, एक लाइब्रेरी का है।